लंदन, हांगकांग एंड बाली, दीज आर सम ऑफ द डेस्टिनेशन जो मैंने विजिट करी थी क्रेडिट कार्ड से फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी फैमिली के साथ। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा, भाई तुमने लाखों करोड़ों खर्च किए होगा तब जाके तुमने ऐसे रिटर्न्स कमाए और तुम तभी जाके इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाए हो क्रेडिट कार्ड। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल आप अपने क्रेडिट कार्ड से फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब छोटे एक्सपेंसेस करके साल का 5-6 लाख रुपए भी अगर आप खर्चते हो, फिक्स्ड मतलब रेंट हो गया, ग्रोसरीज हो गई, और एक बेस्ट हथियार हमारे इंडियन हाउस होल्ड में जो होता है मम्मी पापा की पॉलिसीज, अगर वो पॉलिसीज आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो उससे आप एक अच्छा 15-16% 20% तक रिटर्न जनरेट कर सकते हो। एंड फ्री, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप फ्री इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हो क्रेडिट कार्ड। तो माइंड यू, क्रेडिट कार्ड दो तरह के होते हैं, रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड एंड कैशबैक क्रेडिट कार्ड। कैशबैक क्रेडिट कार्ड में भी बहुत बढ़िया रिटर्न आते हैं, 10% तक रिटर्न देता है एयरटेल का एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड, स्विगी कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ये सब बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। बट असली माल मसाला रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड में है जो कि 16-20% रिटर्न तक देता है, इवन मैंने जनरेट किए हैं। एंड इसमें आपको कोई ऐसे बहुत सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, मिडिल क्लास क्रेडिट कार्ड से भी काम हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, ये तीन ब्रांड्स हैं जो कि बेस्ट हैं राइट नाउ फॉर रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। एंड एमएक्स सुनते ही ऐसे मत सोचना यार ये तो अमीरों का चौसला है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी विल स्टार्ट विद एमएक्स ओनली। एमएक्स में देयर इज अ कार्ड नोन एज एमएक्स प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। इसमें 4 लाख रुपीज से स्पेंड पे आपको 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एज अ बोनस। बट 4 लाख रुपीज बोलना आसान है, अब ये 4 लाख रुपीज पूरे 12 महीने के है, मतलब आपका रेंट, खर्चा, ग्रोसरीज, कुछ भी मतलब डे टू डे बेसिस के एक्सपेंस, अगर आप 4 लाख को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको लेस देन 40,000 का अमाउंट आएगा। तो अगर आप टीयर टू टीयर वन सिटी में रहते हो तो अपने आप ऐसे खर्चे तो हमारे डे टू डे बेसिस पे मंथली लग ही जाते हैं। एंड इसमें बेस्ट बात है, मान लो आप कुछ भी खर्चा नहीं करते हो, सिर्फ आपके मम्मी पापा की पॉलिसीज है, मेरे भी पापा की बहुत सारी पॉलिसीज है जिनको मैं चाह कर भी बंद नहीं करा सकता, एंड वो XIRR 4-5% से ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं करते हैं, तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपली उन पॉलिसीज का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर दो। एटलीस्ट आप 20-25% रिटर्न आप जनरेट कर लोगे, कहां 4-5% रिटर्न जनरेट हो रहा था। बट देयर इज अ हैक, आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको अमेरिकन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाके अमेज़न के वाउचर्स खरीदने हैं। अमेज़न पे के वाउचर्स पे आपको 3x नॉर्मल रिटर्न्स मिलती है। तो नॉर्मली प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड 2% रिटर्न्स देता है, 3x करने से 6% रिटर्न्स हो गया। तो जो आप 4 लाख रुपए मान लो पॉलिसीज में ही पे कर देते हो तो 40,000 तो बोनस हो गया, प्लस इसका 6% 24,000, तो टोटल 64,000 पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते हो एक साल में। अब इनको आप मैरियट में ट्रांसफर करते हो, साल में 2-3 बार बोनस आते हैं जब आपको एक पॉइंट का 1.3 पॉइंट्स मिलते हैं इन मैरियट। तो 64,000 पॉइंट्स जब आप मैरियट में कन्वर्ट करोगे ऑफर के टाइम में, इट गिव्स यू 83,000 पॉइंट्स। एंड यू नो व्हाट, मैरियट में एक और ऑफर है, अगर आप 5 नाइट्स बुक कराते हो तो 1 नाइट आपको फ्री मिलती है, मतलब 4 नाइट के ही पॉइंट्स लगेंगे। एंड जनरली कोई भी प्रॉपर्टी मैरियट की 20,000 पर नाइट पॉइंट्स से ज्यादा की नहीं होती, तो 4 नाइट्स की पॉइंट्स होते हैं 80,000, 5th नाइट आपको फ्री मिल रही है, मतलब 5 दिन का काम हो गया खत्म, सिर्फ आपने पॉलिसीज का पेमेंट किया है। अगर मान लो इतनी आपकी पॉलिसीज हैं तो नॉर्मल खर्चे भी करने हैं तो भी उनको अमेज़न पे के वाउचर्स खरीद के कर दो, स्विगी का पेमेंट करना है अमेज़न पे के वाउचर्स खरीद दो, कोई भी पेमेंट करने, बिल पेमेंट भी आप अमेज़न पे के थ्रू कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स अगर आप वाउचर खरीद के करते हो तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बेटर रिटर्न जनरेट होते हैं। तो अगर आप यही देखोगे 4 लाख रुपीज के स्पेंड पे आपको 83,000 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब मोर देन 20-21% पॉइंट्स मिल रहे हैं, है ना कमाल की बात। ऐसे ही मान लो आप दूसरे HDFC या एक्सिस की बात करें तो एक्सिस में देयर आर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, मैग्नस क्रेडिट कार्ड तो है ही बट वो डीवैल्यू काफी हो गया है, बट मैग्नस बर्गंडी क्रेडिट कार्ड तो बहुत अभी भी अच्छा है, इसमें 17-18% रिटर्न जनरेट होता है। एक्सिस रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड अगेन गिव्स यू 10-12%, एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड जो आपको ट्रैवल पे 10% देता है प्लस माइलस्टोन बेनिफिट, तो 16% आप उसमें भी इजीली जनरेट कर सकते हो। एंड HDFC में भी देयर आर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, जैसे HDFC इन्फिनिया तो है बट डाइनर्स ब्लैक हो गया, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड हो गया या रिगालिया क्रेडिट कार्ड हो गया, इन क्रेडिट कार्ड में 10-14% 16% तक रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, इनकी वेबसाइट पे जाके अमेज़न पे के वाउचर्स खरीद लो, उनसे अपना बिल पेमेंट्स कर दो, वही वाउचर्स खरीदने पे आपको 16% तक के रिटर्न्स आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो माइल्स में या होटल के पॉइंट्स में। माइल्स में अलग अलग होती है, जैसे एयरलाइन पार्टनर होते हैं जनरली, विस्तारा हो गया, एयर इंडिया हो गया, यूनाइटेड हो गया, इन सब में आप ट्रांसफर करके टिकट्स बुक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आपको अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना है, सिर्फ वही स्पेंड्स करने हैं जो कि आपके डे टू डे फिक्स्ड हैं। उल जलूल खर्चे करके अपना क्रेडिट कार्ड डेट मत बढ़ा लेना, सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कैसे आप अपने एक्सपेंसेस स्मार्टली करके भी पैसा कमा सकते हो एंड उससे फ्री ट्रैवल कर सकते हो एटलीस्ट साल में एक बार, तो 2 बार आइडियली की कोशिश भी कर सकते हैं। अब अगर फीस की बात करें तो मोस्टली ये कार्ड चार्जेबल है, बट एक तरीका है इनको लाइफ टाइम फ्री करने का। अगर एमएक्स प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो खुद 4,500 रुपए का है, एंड मेरा बनिया दिमाग भी यही बोलता है कि भाई इतने रुपए थोड़े देंगे क्रेडिट कार्ड के। एमएक्स आपको 2 तरीके से फी वेवर की ऑप्शन देता है, अगर आप किसी का रेफरल लिंक लेते हो तो आपको फर्स्ट ईयर फ्री मिलता है, मतलब अगर मान लो आपके दोस्तों में, फैमिली में, कहीं पे भी आपका कोई रिलेटिव एमएक्स का कार्ड यूज कर रहा है तो उसका रेफर लिंक लेके आपको फर्स्ट ईयर फ्री मिल जाएगा, एंड सेकंड ईयर की जो फीस है उतना ही
ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड अगर मान लो आपने अप्लाई कर लिया, आपको फीस भी चार्ज हो गई, तो देयर इज अ टाइम पीरियड 90 डेज का। उस समय आप एमएक्स को कॉल करके बोल सकते हो कि मुझे एक कार्ड का फी वेवर कराना है, प्लीज मुझे एक माइलस्टोन बेनिफिट दे दो। माइलस्टोन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि बैंक आपको एक ऑप्शन देता है कि लेट से आप 50,000-60,000 इन द नेक्स्ट 90 डेज पेमेंट कर दो, मतलब खर्चा कर लो, एंड आपका फीस विद जीएसटी पूरा पूरा वेव ऑफ हो जाएगा। है ना अच्छी बात। तो एमएक्स ही ये आपको अलाउ करता है। बात रही एक्सिस या एचडीएफसी की, सिंपली आप इनके ऑफर्स फॉलो कर सकते हो। जनरली बहुत सारे ऑफर्स में क्रेडिट कार्ड आते हैं, अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री मिलते हैं, एंड हमेशा आप उनको कॉल करके तो बोल ही सकते हो मुझे क्रेडिट कार्ड बंद करना है क्योंकि इस पे फीस है। वो कोई ना कोई ऑप्शन देंगे, एंड जनरली आपको फी वेवर भी दे सकते हैं या 50% फीस तो आराम से माफ हो जाएगी। ये मैंने भी किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड में स्मार्टली एक्सपेंस करके फॉरेन ट्रिप्स अपने लिए फ्री कर सकते हो। कमेंट करके बताना कोई आपका अगर फीडबैक हो तो, एंड आई विल सी यू सून।